खबरनामा खबर से असर तक। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगा है। आरोप लगा है कि जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी और महज चंद मिनटों में भी पूरे घोटाले को अंजाम दे दिया। जमीन के घोटाले के इन आरोप के साथ इस पर सियासत अब तेज हो गई है। इस मसले पर रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इस समय जगत गुरु परमहंस दास जी जुड़ गए हैं, जो कि इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। चलिए स्वामी जी का ही सबसे पहले रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। और सवाल मेरा सीधा सा है सर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जो आरोप लगा है, वाकई में कोई भ्रष्टाचार है या महज राजनीतिक दुष्प्रचार? ये देखिए, ऐसा है कि जो आरोप लगाने वाले हैं ये एंटी नेशनल सोच रखने वाले लोग हैं, और इनका जो आरोप है सिर्फ ये 2022 के है। अभी केजरीवाल ने जो है कोविड के दौरान दिल्ली में 100 डॉक्टरों की मौत हुई, 99 डॉक्टरों से उनको कोई मतलब नहीं क्योंकि वो हिंदू थे, और एक डॉक्टर उसमें मुस्लिम थे, उनको 1 करोड़ का चेक देने के लिए उनके परिवार को घर पहुंच गए और बोले जो भी जरूरत होगी हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। मतलब लोगों को तुष्टिकरण की राजनीति में इतने अंधे हैं कि उनको वोट कैसे मिलेगा उसकी राजनीति करना है, बाकी कितने लोग मर जाए, देश कहां जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों तक जो है लोगों ने, राम भक्तों ने इसके लिए संघर्ष किया है, प्रतीक्षाएं किया है, हमने कई पीढ़ियों तक इसके लिए प्रतीक्षाएं किया है, कई पीढ़ियां बीत गई, कितने लोगों ने अपने जीवन को आहूत कर दिया है, और जब भगवान श्री राम का जो है मंदिर बन रहा है तो लोगों को दर्द हो रहा है। अब बहुत लोग पहले से ही चिल्ला रहे थे कि अगर राम मंदिर बनेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। ये इनको ये नहीं पता है कि प्रभु श्री राम राष्ट्र की आत्मा है, भारत में जो है भारत की आत्मा, भारत के प्राण प्रभु श्री राम है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, जिन समाजवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धर्म नगरी को रक्त रंजित कर दिया था, निहत्थे कार सेवकों के सीनों को गोलियों से छलनी कर दिया था, ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग ये क्या जानेंगे कि प्रभु श्री राम क्या है, राष्ट्र क्या है और राम मंदिर कैसे बनना चाहिए। जो लोगों की मांग रही है और जो वादा किया गया था कि अलौकिक बनेगा, दिव्य बनेगा, अद्वितीय राम मंदिर बनेगा, तो अद्वितीय राम मंदिर बनाने के लिए उसमें जो भी प्रयास होगा वो किया जाएगा। और राष्ट्रीय देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो प्रयास, स्वामी जी जो वो पत्र और चिट्ठियां और पता नहीं कौन कौन से कागज लेकर प्रेस के सामने बैठे हुए थे, उन पर आपका क्या कहना है? ये तो हमें भी पता है कि अभी चुनाव है, वो कहीं ना कहीं से गड़े मुर्दे जरूर उखाड़ेंगे क्योंकि सभी को अपना सियासी फायदा लेना है इस मसले पर, लेकिन वो पत्र बड़ा दिखाया जा रहा है बार बार, वो कागजात वो बार बार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये वो लोग हैं कि शुरू से लेकर के ये लोग जो है कांगड़ाने वाले लोग हैं, और ये लोग जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाले, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, कुछ जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति में धंसे हुए हैं, कुछ तुष्टिकरण की राजनीति में धंसे हुए हैं। ये सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको न राम से मतलब है न तो राष्ट्र से मतलब है। इन लोगों का जो ये आरोप है यह है बिल्कुल तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित है, और ये इनके आरोप में बदबू है, इनका आरोप शुद्ध नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर 1 रुपये चंदा नहीं दिया है, इन लोगों का कोई अधिकार भी नहीं बनता है कि ऊपर कोई टिप्पणी कर सके। इसके लिए जो है इस पर हम लोग जो है साधु संत धर्माचार्य चर्चा कर रहे हैं, इस पर इसकी जो सच्चाई है उसके लिए हम लोग बराबर इस पर जो है तो प्रयास कर रहे हैं,
और बहुत जल्दी इसका हम लोग खुलासा करेंगे। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टी हैं बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और खास तौर पर मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय श्री चंपत राय जी के विषय में मुझसे अधिक कोई नहीं जान सकता है। श्री चंपत राय जी पूरा जीवन जो है प्रभु श्री राम के लिए लगा दिए हैं, और आज राम मंदिर के निर्माण में हमने देखा है कि सोने से जागने तक दिन रात कैसे मंदिर की सुंदरता बढ़ेगी, कैसे मंदिर की मजबूती बनेगी, निरंतर काम कर रहे हैं। चंपत राज जी की निष्ठा और ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, और जो आरोप है ये 2022 के चुनावी गणित को लेकर के सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है, और ये चाहते हैं कि इससे हो सकता है कि कुछ जो है मुस्लिम इस तरह की राजनीति ओछी राजनीति करना अच्छा नहीं है, आस्था के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, अभी जब हमने सवाल किया यूपी के कुछ कैबिनेट मंत्रियों से इस बारे में, तो उन्होंने ये बात कही है कि हम इन आरोपों की जांच जरूर करवाएंगे। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और हकीकत क्या है वो सामने निकल कर आनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हम तो कहते हैं कि जो इन लोगों ने आरोप लगाया है अगर आरोप में सच्चाई अगर वो अपराध के अंतर्गत आता है तो जो भी कार्रवाई हो हम उसमें जो है हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित होकर के और एक दुर्भावना पैदा करने के लिए कि लोग जो है राम मंदिर में अब चंदा ना दें, ये लोग तो शुरू से ही टांग अड़ा रहे हैं। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि राम मंदिर ना बने, और राम मंदिर पर जब फैसला आया तो इन लोगों ने भी उसमें भी बहुत नाराजगी व्यक्त किया, और राम मंदिर बनना शुरू हो गया तो कोई न कोई बयानबाजी इन लोगों की चल रही है, और चूंकि 2022 का इलेक्शन है तो इनको ये लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय कैसे खुश हो जाए और कैसे समझ ले कि ये लोग जो है देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, ये लोग एंटी नेशनल सोच रखने वाले लोग हैं, और यही लोग ऐसे हैं जो ये इनको हम लोग सपोर्ट करके और फिर यहाँ आतंक फैला सकते हैं। तो जो ये जिहादियों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो तुष्टिकरण की राजनीति में बिके हुए लोग हैं, ये इन लोगों के विषय में मैं क्या बताऊं, इन लोगों के जितने आज तक इनकी जो हिस्ट्री रही है उसको सुन करके शर्म आती है कि इन लोगों को न देश से मतलब है। होना ये चाहिए कि चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, आपके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति समान भाव रखना चाहिए, लेकिन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। यहां मौत से लेकर के जीवन तक इनका वही बयान होता है जिनको जिससे इनको सियासी लाभ हो। तो अभी जो ट्रस्ट की 2 दिवसीय बैठक हुई कल और आज, क्या इसी को लेकर यह बैठक हुई है या फिर उस बैठक का मंतव्य कुछ और था? इसको लेकर के कोई बैठक होनी नहीं है, इस पर हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार बेबुनियाद है, और ये राम मंदिर के लिए जो सुंदरता बढ़ाने के लिए जो हम लोगों का प्रयास है कि राम मंदिर जो है भव्यतम, जो हमारी आपकी नहीं पूरे विश्व में राम भक्त जितने हैं सबकी हार्दिक इच्छा है कि राम मंदिर जो है वो भव्यतम होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। उसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो प्रयास कर रहा है उसके लिए हम लोग अभिनंदन और स्वागत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो रास्ते से भटक गए हैं वो लोग भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का स्वागत अभिनंदन करें, रोड़ा अटकाने की कोई जरूरत। स्वामी जी, ये जो मुद्दा है राम जन्मभूमि का या राम मंदिर का, ये लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस तरह के आरोप लगाकर या इस तरीके की बाधा डालकर क्या लग रहा है इन राजनीतिक दलों को कि ये जन भावनाएं बांट लेंगे या फिर खुद के पक्ष में कुछ ले आएंगे, खुद के पक्ष में वोट बैंक ले आएंगे, उनको क्या इस तरह की कोई गलतफहमी है? क्योंकि अभी तक ये बात कही जा रही है, देखिए हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया गया, लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि राम मंदिर बन रहा है, तो ऐसा माहौल ना बन जाए यूपी के चुनावों में, इसलिए इतना अच्छा समय ढूंढा गया इस मुद्दे को भुनाने का। बिल्कुल, अब ये लोग ये देख रहे हैं कि अब ये सही समय है कि इसमें अगर कोई ये लोग रोड़ा अटकाते हैं तो इनको थोड़ा सियासी लाभ है, इनको लगता है कि मिल जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा है कि जब व्यक्ति नफरत की राजनीति में जब धस जाता है तो उसको फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ लगता है कि सत्ता कैसे हासिल हो जाए, उसके लिए चाहे जनभावनाएं आहत हो, चाहे लोगों के जो है तो कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे राम मंदिर के लिए जो लोग श्रद्धालुओं का अभी जो श्रद्धा बनी है डोनेशन देने की लोगों में उसमें शायद कुछ कमी आ जाए, माने जहां तक ये इनसे संभव है ये टांग अड़ाएंगे,
अब इसके लिए हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है इसमें कितने राम भक्तों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आते रहेंगे। और देखिए, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अच्छा काम कभी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उनको पेट में दर्द होता है। जैसे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो मैं आर्टिकल 370 और 35 ए को नहीं हटने दूंगा। क्यों नहीं हटने दोगे भैया? इटली ले जाओगे क्या? क्या तुम, तुम्हारे बाप का है कि पाकिस्तान को दे दोगे? इस तरह वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। देश को बेच करके, लोगों की भावनाओं को आहत करके अगर कोई राजनीति कर रहा है तो मेरा मानना यह है कि वो चंद दिनों की राजनीति है, इसके बाद इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। और जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अब जो जातिवाद, यही चाहते हैं कि जनता समझदार हो गई है और जो भी इस मसले की हकीकत है वो सामने निकलकर जरूर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा के लिए आप बैठे। तो आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, क्या सच्चाई है? इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट दिते ने कि थोनू कहते जान की लोड़ नहीं, अगर तुसी पॉजिटिव हो, स्टेज वन दे विचो, लेवल वन दे विचो, अपने घर जाओ, फतेह किट थोनू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जेड़ा थोनू देगा और समझाऊगा भी थोनू, और तुसी लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगा है। आरोप लगा है कि जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी और महज चंद मिनटों में भी पूरे घोटाले को अंजाम दे दिया। जमीन के घोटाले के इन आरोपों के साथ इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मसले पर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमारी देखिए। 10 मिनट में 2 करोड़ के हुए 18 करोड़। राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन पर घोटाले का आरोप। आस्था या खिलवाड़ या राजनीतिक दुष्प्रचार, घोटाले के आरोप से यूपी की सियासत में आया भूचाल। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। अयोध्या के पूर्व विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बेनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को ही करीब 10 मिनट पहले बेनामा भी हुआ और फिर एग्रीमेंट भी। जिस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ? मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी वजह थी उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया RTGS किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़, 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार चंदा दिया। आम आदमी पार्टी ने भी लगाए आरोप। आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले में आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि 2 करोड़ की खरीदी गई जमीन को कुछ ही मिनटों बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बिक्री के लिए एग्रीमेंट किया गया। ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके 16.5 करोड़ के भुगतान का दावा कर चुका है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 2 करोड़ की जमीन खरीद और 18 करोड़ के एग्रीमेंट, दोनों में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र गवाह हैं। और ये जमीन जो खरीदी गई वो खरीदी गई
7:10 पे 5,80,00,000 की मालियत की जमीन, शाम को 7:10 पे 2,00,00,000 रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक पांच मिनट बाद ये जो 2,00,00,000 में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5,80,00,000 है, वो जमीन राम जन्म भूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। क्या है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का बयान? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय ने आधिकारिक पत्र जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वास्तु के अनुसार सुधार के लिए मंदिर परिसर के पूर्व और पश्चिम दिशा में यात्रा को सुलभ बनाने और मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए कुछ छोटे बड़े मंदिर और गृहस्थों के मकान खरीदने की जरूरत है। जिनसे मकान खरीदा जाएगा उन्हें पुनर्वास के लिए जमीनें दी जाएंगी। इस काम के लिए भूमि की खरीदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी जमीनें खरीदी हैं, वह खुले बाजार की कीमत से काफी कम है। लोग राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर भ्रम फैला रहे हैं। मंदिर के निर्माण में हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग, हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस आई एक्सेप्ट आई रेडी यू आल्सो यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। बहरहाल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर घोटाले के आरोप के बाद यूपी की सियासत गरमाई हुई है और जाहिर है कि यूपी में विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में इस मसले का सभी राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल जरूर करेंगे। देखने वाली बात रहेगी कि यूपी की सत्ताधारी पार्टी इस मामले को कैसे शांत कर पाती है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि इस मसले को इतना ज्यादा भुना लिया जाए कि वोट बैंक उनके पक्ष में आ जाए। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि राम मंदिर एक जनभावना से जुड़ा हुआ मसला है, तो ऐसे में इस मुद्दे को भुनाना और अपने पक्ष में लाना विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। लेकिन अभी जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं ट्रस्ट पर, उन घोटालों के आरोपों की जांच किस तरीके से होती है, क्या कुछ सच्चाई सामने निकल कर आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कोरोना वायरस नु असी ताही हरा सकदे हां जेकर असी अपने वध तो वध टेस्ट करवावांगे ते वैक्सीनेशन लगवावांगे। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस नाल निजिठण लई पंजाब दे पिंडां विच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है ता जो 18 साल तो उपर दे सारे लोग जल्द तो जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवा सकन। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित कीते गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जेहे लक्षण महसूस हुंदे हन ता तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नू बचाउणा है, अपने परिवारां नू बचाउणा है, अपने पिंड नू बचाउणा है, तुसी अपने महल्या नू बचाउणा है, तुसी
जो दसिया डॉक्टर ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में कथित घोटाला सामने आया है और इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए समय खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद अलवी जी समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से। सर स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर मेरा सीधा सा सवाल है कि वाकई में कोई भ्रष्टाचार हुआ है या सिर्फ राजनीतिक दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया गया है? देखिए ये फैसला कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा है कि नहीं है, इसका फैसला ना आप कर सकती हैं ना मैं कर सकता हूं। बिल्कुल। संजय सिंह ने एक इल्जाम लगाया, पुलिस भी अदालत में जाती है तो वो इल्जाम लगाती है, फैसला अदालत करती है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं तो कल डिमांड कर चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ज्यूडिशियल इंक्वायरी करानी चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों का पैसा शामिल है जी। और सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, आस्था का सवाल है, लोगों की के ट्रस्ट का सवाल है। तो इसलिए इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई इल्जाम लगा है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सच्चाई देश को पता चल जाएगी कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ। यूपी कैबिनेट के मंत्रियों से इस बारे में बात कर रहे हैं तो वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अनाप शनाप बातें की जा रही है। हालांकि दबी जुबान में वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इस पर जांच करवाएंगे, आरोपों की जांच होगी, लेकिन अभी मंशा कुछ खास साफ नजर नहीं आ रही है। और ये बात भी कही जा रही है कि यूपी में चुनाव है इसलिए इसे जबरदस्ती एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मुद्दा भी बनाने की कोशिश की जा रही है तो अभी तो असम के चुनाव में बहुत समय है, ये ज्यूडिशियल इंक्वायरी 2 महीने में हो सकती है। अगर ज्यूडिशियल इंक्वायरी करा दी जाए 2 महीने में तो अगर झूठा इल्जाम है तो बीजेपी को फायदा हो जाए, और अगर सही इल्जाम है तो देश को पता चलना चाहिए कि ये लोग करप्ट हैं कि नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि मुद्दा बनाया जा रहा है, इससे तो और शक बढ़ता है, शुभ बढ़ता है। सरकार को चाहिए कि 2 महीने के अंदर इंक्वायरी करके सच्चाई देश के सामने रखते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई इंक्वायरी नहीं होती तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार के इल्जाम सही इल्जाम, वो उन्हें बचाने की कोशिश करना है, वरना इंक्वायरी कराने में क्या प्रॉब्लम। और वो आदमी जो इल्जाम लगा रहा है वो तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा है कि 2 करोड़ रुपए की चीज 18 करोड़ में खरीदी गई है। ये तो कोई भी जाके, आप भी जाके पता कर सकती हैं वहां पे कि भाई ये जमीन की कीमत यहाँ पे क्या है, 2 करोड़ है कि 18 करोड़ है। कोई भी जाके पता करेगा मार्केट वैल्यू क्या है। तो सरकार को चाहिए कि ज्यूडिशियल इंक्वायरी कराए, बजाय इसके कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर्स को बचाने की कोशिश की जाए। इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी में सच्चाई का पता चल जाए। बिल्कुल सर, इंक्वायरी तो होनी चाहिए क्योंकि अब सच्चाई सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। शुक्रिया राशिद जी आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज बढ़ाने ने, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। तुम ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। यह सवाल सपा नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में घोटाले का आरोप लगाया है, जिसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों के बाद अयोध्या के संतों ने ट्रस्ट के पक्ष में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। संजय सिंह ने और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है और साजिशपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वही है कि अभी कोविड के दौरान दिल्ली में लगभग 100 डॉक्टरों की मौत हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि उसमें 99 हिंदू डॉक्टर थे उनसे कोई मतलब नहीं, एक डॉक्टर उसमें जो है मुस्लिम थे, तो 1 करोड़ का चेक अरविंद केजरीवाल खुद जाकर के उनको दिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग राम के विषय में क्या जानेंगे। पहले तो इस प्रकार का संभव नहीं है कि रामलला के लिए ट्रस्ट जो बना है वो इस प्रकार का कोई भी घोटाला करेगा, इस पर तो जाँच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं उन पर यह आरोप लगाना गलत है। पहले जांच होना चाहिए कि ये बात सही है, यदि सही है तो जो कुछ हुआ उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं तो ये रामलला का अपमान है, रामलले के पैसे का अपमान है, दान का अपमान है, और इस प्रकार से ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगा देना, क्योंकि ऐसा जो ट्रस्ट है वो समर्पित है भगवान रामलला के लिए। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है यह बड़ा आरोप है, और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी अगर जांच में लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा, इसके नाते 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठा रहे हैं, जो हिंदू जनमानस के ऊपर उंगली उठाना हुआ, इसके नाते मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ट्रस्ट के और लोगों से निवेदन करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और उस जांच में जो लोग गुनाहगार पाए जाएं, क्योंकि ये हिंदू जनमानस का पैसा है, किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं है। यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन घोटाले पर बोलते हुए कहा कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें कि क्या करना है, जांच के बाद इस विषय पर कार्रवाई होगी, ट्रस्ट पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें, अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा, और सलाहकार न बने मुझे साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण संघ जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। जो सर ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है, जो ट्रस्ट के लोग आरोप। एक और छोटे से ब्रेक के लिए खबरनामा में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। रूरल करोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए, और 7 मेंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घूमे, और एदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिंदा है टेस्ट करो, जैसे मैं तुहानूं दस्सिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वह किनूं मिले उन्हूं ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनूं मिले उन्हूं भी टेस्ट करो, और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो, 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट, ये चीजा अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्लिया च कंट्रोल आ सकती है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे आरोपों के बारे में। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने जमीन खरीदी में भारी घोटाला किया है। इस पूरे मसले पर यूपी सरकार में मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी आप सुनिए। कोई जानकारी नहीं है, वो लोग तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो अनर्गल आलाप प्रलाप करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और इसके बारे में हमारे जो लोग हैं उन्होंने जवाब भी दिया है, और इस प्रकार के मैं समझता हूं कि कोई चीज़ है नहीं उनके पास, चूंकि मुद्दा नहीं है कोई, तो अनर्गल प्रलाप करते रहे। बाधा नहीं डाल पाए तो आरोपी लोग लगा रहे हैं। ये जो है ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो लोग जो सक्षम लोग हैं जिनके इनके पास इसकी जानकारी है वो लोग जवाब भी देंगे इसका। राम मंदिर के मामले पर सपा और आपने सवाल उठाया है कि जमीन खरीद में काफी घोटाला हुआ है, क्या कहेंगे सर? 2 करोड़ की जमीन 17.5 करोड़, 18.5 करोड़। और फिलहाल इस मसले पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सर, जो कुछ भी आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर, उन आरोपों के बारे में आपकी प्रतिक्रिया, और लगातार बीजेपी के नेता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ यूपी में विधानसभा चुनाव है तो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक एग्रीमेंट दिखाया गया, सीट दिखाई गई, 5 मिनट पहले वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर होता है जी, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए रखी गई है, और 5 मिनट के बाद दूसरे आदमी के नाम पर रजिस्ट्री होती है, उसकी कीमत 18 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए नहीं, प्रॉपर्टी में अगर 16 करोड़ रुपए मुनाफा लिया जाएगा, और फिर बोलने वालों को ये कहेंगे कि ये राजनीतिक बात है, तो तथ्यों के साथ राम जन्मभूमि के न्यासियों को बात करनी चाहिए। अगर हम भी राम भक्त हैं, हमने भी राम मंदिर में चंदा दिया है, तो राम भक्त ये जरूर बात जानना चाहेगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा अगर दस्तावेजों के साथ में ये बात हो रही है, एक भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर पहले एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है, उसके अंदर जवाब ही वही है, उसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होती है, जवाब ही वही है, पहले कीमत 5 मिनट पहले कीमत 2 करोड़ है और फिर कीमत 18 करोड़ रुपए है, तो निसंदेह हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात जाती है कि 16 करोड़ रुपए का क्या किया गया, 16 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए। सुशील जी, अगर वीएचपी के जितने भी अभी संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनसे इस बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई कुछ भी कह नहीं रहा है, और चंपत राय भी अभी कोई ज्यादा सफाई देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उनसे जब प्रेस वालों ने सवाल किया तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसे आरोप तो हम पर लगते रहते हैं, क्या माना जाए इसको, क्या सुने जो उनकी बात वो कह रहे हैं उसको सुनकर क्या समझा जाए? सफाई देने के लिए कुछ है नहीं, ये तथ्यों के साथ बात है, डॉक्यूमेंट के साथ बात है, हिंदुस्तान क्या दुनिया के हर व्यक्ति से बात समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर दाल में काला नहीं दाल ही काली है। 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर 18 करोड़ रुपए में 5 मिनट के बाद बेच दी जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो आप ये आरोप लगा रहे हैं ये महज राजनीतिक साजिश है, आपने जितने भी दस्तावेज दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन दस्तावेजों को भी मानने से इनकार किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा, तो फिर क्या देखा जाए? अब क्या अदालत का भी रुख करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अगर किसी तरह की जांच नहीं बिठाई जाती है तो उसके बाद यही ऑप्शन नजर आ रहा है सर। देखिए, अगर वो दस्तावेजों को बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो आपका चैनल जा सकता है, वहां से भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिसर की कॉपी ले सकते हैं, और अगर तथ्यों को मानना ही नहीं है कि राम के नाम पे धोखाधड़ी ना करें, वैसे व्यापार करें, अपना व्यापार के नाम पे करें, लोगों की चंदा लेकर लोगों को गुमराह ना करें। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर सुशील जी, वो सवाल भी मैं आपसे करूंगी, इसका जवाब दिया है उन्होंने चंपत राय ने, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है देर रात, तो वही मैं अभी पढ़ रही थी, तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में हुई। उन्होंने कहा कि मंदिर ने जब इस जमीन को खरीदने की इच्छा जताई तो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इस जमीन का बेनामा तय रेट पर 18 मार्च 2021 को किराया और फिर उसे आज की रेट के हिसाब से मंदिर ट्रस्ट को बेचा है। 5 मिनट पहले ही वो रजिस्टर्ड हुआ है और 5 मिनट के बाद ही वो बेचा गया है, तो इन बातों के अंदर कोई मकसद नहीं बनता इन बातों को कहने का। 5 मिनट पहले ही, और वही गवाह उसके ऊपर वीएचपी के पदाधिकारी पहले बयान में से गवाह है, और वीएचपी के बयान
पदाधिकारी दूसरे बैनामे पे गवाह हैं। सारी चीजें इतनी उलझी हुई इस समय नजर आ रही हैं सुशील जी, तो अभी क्या उम्मीद की जाए, किसी तरह की कोई जांच बिठाई जाएगी और आपको लग रहा है कि वाकई में सच्चाई सामने निकल कर आ पाएगी, या फिर अभी फिलहाल यही कोशिश की जाएगी कि मसले को दबा दिया जाए? देखिए, हम तो ये बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे कि राम के नाम से इतनी बड़ी हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। राम जन्मभूमि, राम का जो मंदिर है, हिंदुस्तान के लोगों का एक सपना है, और उस सपने को चकनाचूर इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि उसके ऊपर इतने बड़े आरोप लग जाएं। न्यासियों को, न्यासी जो ट्रस्टी है उसको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है। वो उसका मालिक भी होता है, वो उसका रखवाला होता है, और अगर घर में बिल्ली ही दूध का रखवाली बिल्ली को रख दिया जाए तो फिर दूध कैसे सुरक्षित रह सकता है? अगर 2 करोड़ रुपए का माल 18 करोड़ रुपए में बिकने लग जाएगा तो वो समझिर के घेरे के अंदर तो सभी आएंगे, वो अपने आप जितना मर्जी बचाव करते रहे। अगर इस बात को कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसमें कहीं काली दाल नजर नहीं आ। सर, ये जो मसला है राम मंदिर का, ये सिर्फ यूपी का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है, पूरे देशवासियों की जनभावना से जुड़ा मसला है। आपको नहीं लगता कि अब एक के बाद एक हर राज्य में इस तरह से आंदोलन के स्वर उठने लगेंगे? आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी, वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका प्रदर्शन किया और वो कह रहे हैं कि सभी ने चंदा दिया था, इस हिसाब से तो अब चंदे की भी जांच होनी चाहिए। ये जो ट्रस्ट बनाया है भारत सरकार के माध्यम से, ट्रस्ट बना है और इसके अंदर जो भी ट्रस्टी नियुक्त किए गए हैं, उनकी निष्पक्षता की जांच, उनकी ईमानदारी की जो बातें हैं वो पूरे देश के सामने आईना की तरह साफ होनी चाहिए। अगर 2 करोड़ रुपए का माल 18 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा तो लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, और जब विश्वास कम होगा तो वो राम के प्रति जो श्रद्धा है उसके अंदर कमी नहीं आ सकती, परंतु मंदिर बनाने वालों में जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाएगी और मंदिर का निर्माण कार्य बहुत लेट हो सकता है। सर, ये बात अचानक से सामने निकल कर कैसे आई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले पवन पांडे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद संजय सिंह आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो किस तरीके से ये इतनी बड़ी बात, इतने बड़े तथाकथित घोटाले की जानकारी सामने निकल कर आई है? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, परंतु ये कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। जब इतना बड़ा 16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ तो किसी हिस्सेदार को हिस्सा नहीं मिला होगा, उसने बात मार्केट में ओपन की होगी, डॉक्यूमेंट दिए होंगे। तो जो पैसा मिल बांट के खाना, चंदे का पैसा वैसे भी आजमा बड़ा मुश्किल से होता है। ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण मैं कहूँगा कि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को करनी चाहिए कि किस दिशा के अंदर आप इस मंदिर के निर्माण कार्य को ले जाना चाहते हैं। और क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के अलावा और भी कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जो इस समय जुड़े हुए हैं राम मंदिर निर्माण से, तो उनके बीच में भी असंतोष फैलने की यहाँ पूरी संभावना जताई जा रही है? देखिए, राम मंदिर ना, संत हैं सर, वो मानने को तैयार नहीं है, वो अभी भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है क्योंकि उन्हें यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ना है। देखिए, हम तो बड़ी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि राम मंदिर श्रद्धा का विषय है, जब भी ये बनना है बहुत सुंदर मंदिर बनना चाहिए, परंतु इसके अंदर भ्रष्टाचार होगा तो लोगों का चंदा देने की श्रद्धा कम होगी, बनने में समय अधिक लगेगा और लोगों का विश्वास कम होगा। ऐसी स्थिति के अंदर कम से कम हिंदुस्तान के लोगों का विश्वास, लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि सच्चाई सामने निकल कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आप हमारे साथ जुड़े। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट दिते ने कि थोनू कहते जान की लड़ नहीं, अगर तुम पॉजिटिव हो, स्टेज 1 दे विचो, लेवल 1 दे विचो, अपने घर जाओ, फतेह किट थोनू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज बिच है, कोई बंदा आऊगा जेड़ा थोनू देगा और समझाऊगा भी थोनू, और तुसी लो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर इस समय ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लगातार जो कथित घोटाले की बात कही जा रही है उसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीनों में घोटाले के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हालांकि सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, ना ही उन्होंने प्रेस के सवालों का जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने एक प्रेस रिलीज करके तमाम तरह की बातें कही हैं। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। चंपत राय ने कहा है कि मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीनें बाजार से बहुत ही कम रेट पर ली जा रही हैं। अब तक मंदिर के लिए खर्च हुए एक एक पैसे का हिसाब रिकॉर्ड पर है। ट्रस्ट का कहना है कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने करीब 10 साल पहले ही बाघ विजेसर की जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीद ली थी। तब के हिसाब से इसका रेट 2 करोड़ तय कर लिया था। इसकी रजिस्ट्री भी करा ली थी। जब मंदिर ने इस जमीन को खरीदने की इच्छा जताई तो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने पाठक परिवार से इस जमीन का बैनामा तय रेट पर 18 मार्च 2021 को कराया। फिर उसी रेट के हिसाब से मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेची गई। सपा नेता मनोज यादव जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा करने के लिए। मनोज जी, पवन पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से यूपी में सियासी भूचाल आ गया है। जो कथित घोटाले की बात आपके द्वारा कही जा रही है, आगे क्या है? आपको लग रहा है सर किसी तरह की कोई जांच बिठाई जाएगी इस मसले पर? देखिए, भाजपा की मौजूदा जो सरकारें रही हैं, वो चाहे सेंट्रल में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, अगर उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वो उसकी ना तो निष्पक्ष जांच कराते हैं और ना ही उस पर पूरी तरीके से जनता के मन में जो संदेह पैदा होता है उसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। मैं फिर भी सरकार से यही बार बार निवेदन करूंगा कि सरकार, क्योंकि मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, इस आस्था को लेकर बीजेपी ने बहुत राजनीति की है, अगर उसको लगता है कि भगवान राम के उस मंदिर में किसी तरीके का कोई सवाल ना उठ पाए तो निश्चित तौर पर जो भी कारण है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं अभी कि वो घोटाला होगा या नहीं होगा, ये तो जांच एजेंसी कह सकती है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उन आरोप की जवाबदेही निश्चित तौर पे राम जन्मभूमि न्यास की है और जो ट्रस्ट के तमाम सारे ट्रस्टी हैं उनकी जिम्मेदारी है और महत्वपूर्ण रूप से सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार उसमें अपने आप को अभिन्न अंग के रूप में हमेशा जोड़ती नजर आई है, चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? मनोज मनोज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी, तो हम आपको बता रहे हैं कि लगातार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आरोप लग रहे हैं घोटाले के। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में कथित ये जो घोटाला सामने आया है उसके बाद से तमाम विपक्षी दल सक्रिय हो गए हैं और वो लगातार तमाम आरोप लगा रहे हैं ट्रस्ट पे। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि वाकई में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है और इसके लिए जांच किस तरीके से की जाएगी ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इस मसले को इतनी ढिलाई से नहीं लिया जा सकता। मनोज जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपकी बात बीच में ही रह गई थी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। जी, मैं बिल्कुल ये कह रहा था कि सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट राम मंदिर जन्म भूमि और न्यास सबसे रहा है लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या प्रधानमंत्री जी रहे हो, तो इसकी जवाबदेही सरकार की भी बनती है और जो ट्रस्टी है उनकी भी जवाबदेही लगातार इस बात को लेके है कि वो अगर कोई चीजें जो सही है जो गलत है उनकी जवाबदेही तय करें, लेकिन अगर उसके बावजूद इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि फिर दाल में कुछ काला है और जो बातें स्पष्ट रूप से आ रही, क्योंकि इसमें कोई भावनात्मक बात नहीं है, इसमें आर्थिक मामलों की बात है, वो फिर चंदा हो या सरकारी पैसा हो, क्या ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि अगर वो राम जन्मभूमि का चंदा है तो उसमें घोटाला किया जा सकता है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से नाजायज बात है, तो सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और ट्रस्ट को भी स्पष्टीकरण के साथ जो सत्य है वो बताएं, अगर घोटाला हुआ है तो जो दोषी हैं उनको ट्रस्ट से बाहर किया जाना चाहिए और उनको सजा जो भी हमारी संवैधानिक ढांचे के तहत आईपीसी की धारा के तहत जो उनपे सजा बनती है उनपे सजा भी होनी चाहिए।
मनोज जी, अगर मैं चंपत राय की बात करूं तो उन्होंने जो प्रेस नोट रिलीज किया है उस हिसाब से मैं शॉर्ट में ही अपनी बात खत्म कर देती हूं सर। वो कह रहे हैं कि जब सुल्तान अंसारी के द्वारा ये जमीन खरीदी गई थी कुसुम पाठक के तरफ से, तब उन्होंने रेट डिसाइड किया था 2 करोड़ रुपए, लेकिन जब राम जन्मभूमि के लिए मंदिर को, राम जन्मभूमि के लिए जमीन को खरीदने की इच्छा जताई गई ट्रस्ट के द्वारा, तो उन्होंने आज के रेट के हिसाब से जमीन बेची। यानी पहले उन्होंने 2 करोड़ रुपए रेट तय किया हुआ था, लेकिन ट्रस्ट ने जब खरीदने की इच्छा जताई तो उन्होंने आज के हिसाब से पैसा लगा दिया। देखिए, निश्चित तौर पर आज के हिसाब से क्या कोई क्वेटो नहीं बन गया अयोध्या, ये बात मुझे कहने में किसी तरीके का कोई वो नहीं है। निश्चित तौर राम जन्मभूमि बन रही है, लेकिन 5 मिनट में इतना अंतर, ये बात सोचने वाली है। 15 मिनट रजिस्ट्री कर जो बदलने में लगा है, तो इतना अंतर किस बात का। और फिर मैं तो एक बात कहता हूँ कि जिन पाठक बंधुओं की, बंधु मतलब हस्बैंड वाइफ हैं और जो भी उनका रिश्ता है, उनका अगर उनको तो डायरेक्ट राम जन्मभूमि को जमीन देनी चाहिए थी, और क्यों नहीं देनी चाहिए थी। अगर राम में सभी को आस्था है तो उसमें बीच में कोई व्यक्ति बेनिफिट लेके उसको बेचे, और फिर तो बड़ी बड़ी बातें कही जा सकती है। उसको ज्यादा मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की बदबू आ रही है। बिल्कुल, अगर कोई संशय है तो वो संशय यहाँ हट जाना चाहिए। ये बात आपकी एकदम सही है, अगर कुछ नहीं होगा तो वो तो साफ निकल कर आ ही जाएगा, तो जांच होनी चाहिए। इस बात से मैं भी पूरी सहमति जता रही हूँ। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम